Students, welcome to the classes of Ray Academy, and we are studying accounting terms. Accounting terms के अंदर एक major चीज़ें होता है stock, जो कि हम खरीदते हैं, बेचते हैं, जो goods and services या दोनों का हो सकता है. तो usually जो stock होता है goods का ही होता है, और services का तो stock usually होता नहीं. तो stock के बारे में हम पढ़ते हैं. स्टॉक इज द टैंजिबल एसेट. टैंजिबल मतलब जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, हम जिसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, जिसका मनी वैल्यू है. हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज फॉर द पर्पस ऑफ सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ अ बिजनेस और फॉर द पर्पस ऑफ यूजिंग इट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स मिंट फॉर सेल. मतलब हम स्टॉक खरीदते हैं, उसको ऑर्डिनरी कोर्स, हमारा ऑर्डिनरी काम, यूजुअल काम होता है, जनरल काम होता है गुड्स खरीदना बेचना. हम गुड्स खरीदते हैं और बेचते हैं, और उसको ऑर्डिनरी कोर्स में, ये खरीदना बेचना इज आवर नॉर्मल वर्क. बट द थिंग इज दैट हम कभी कभी क्या करते हैं, उसको फर्दर प्रोडक्शन में यूज करते हैं. यूज करने के बाद जो गुड्स बनता है उसको सेल करते हैं. तो स्टॉक दो टाइप का होता है. स्टॉक में भी एक होता है ओपनिंग स्टॉक एंड द अदर वन में भी क्लोजिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, दो टाइप का. और ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक इज द स्टॉक इन हैंड. स्टॉक इन हैंड मतलब स्टॉक है ये इन द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर. सपोज हमारा अकाउंटिंग ईयर जनवरी 1 को स्टार्ट होता है या अप्रैल 1 का होता है. फाइनेंशियल ईयर के साथ कंफ्यूज मत करो, बिजनेस का जो अकाउंटिंग ईयर. तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर में स्टॉक हमारे हाथ में होता है. इन अदर वर्ड्स इट इज स्टॉक इन हैंड एट द एंड ऑफ द प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर. पिछले साल का एंड और इसी साल का बिगिनिंग का जो स्टॉक होता है, इसी साल का बिगिनिंग में और पिछले साल का ईयर एंड का जो स्टॉक होता है, यही होता है हमारा ओपनिंग स्टॉक. तो स्टॉक आपको समझ में आया, ओपनिंग स्टॉक आया. नाउ गो फॉर द क्लोजिंग स्टॉक. तो क्लोजिंग स्टॉक एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर में होता है. क्लोजिंग स्टॉक इज द स्टॉक इन हैंड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड. अकाउंटिंग पीरियड जब खत्म होता है, सपोज दिसंबर 31 को खत्म होता है, या 31 मार्च या 30 सितंबर, तो उसी दिन का जो स्टॉक होता है उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक. आउट ऑफ द परचेजेस ड्यूरिंग द पीरियड इफ वी डिडक्ट द परचेज प्राइस ऑफ द गुड्स सोल्ड देन वी विल गेट द क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड. इसका मतलब अगर हम परचेजेस से गुड्स जितना बेचा है, परचेज प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड, अगर हम परचेज करा 1 लाख का और परचेज प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड 80,000, तो देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक विल बी 20,000 एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड. स्टॉक इज क्लासिफाइड इन द बैलेंस शीट एज करेंट एसेट. स्टॉक इज क्लासिफाइड इन द बैलेंस शीट एज करेंट एसेट. स्टॉक करेंट एसेट, बैलेंस शीट में करेंट एसेट के नीचे होता है. करेंट एसेट हेडलाइन होता है, इसके नीचे क्लोजिंग स्टॉक होता है. दिस स्टॉक इज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ अ कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिच एवर इज लोअर. ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल होता है एक, इसको बोलते हैं कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल. कॉस्ट और मार्केट प्राइस. कॉस्ट प्राइस स्टॉक का सपोज 1 लाख है और उसका मार्केट प्राइस गिर गया है, 70,000 हो गया है, व्हिच एवर इज लोअर, तो स्टॉक का वैल्यू होगा 70,000. अगर स्टॉक का मार्केट प्राइस है 80,000, कॉस्ट प्राइस है 50,000, तो 50,000 वैल्यू होगा. कॉस्ट प्राइस यानी खरीदा हुआ प्राइस और मार्केट प्राइस आज कितने रुपए में बिकेगा, ये दोनों में जो लोअर है वही होता है वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. व्हिच एवर इज लोअर इज टेकन एज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. ये जो प्रिंसिपल होता है, इट इज कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल. मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस. Then next one is
स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये और तीन वेरिएंट होता है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। तो नाउ वी विल गो फॉर स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स। इट कंप्राइजेस स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स लाइंग अनयूज्ड। जो गुड्स, जो रॉ मटेरियल हमारे पास रखा हुआ है और यूज होने वाला है और यूज हुआ नहीं, दिस इज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल हम रखे हैं, उसको प्रोडक्शन में यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, स्टॉक ऑफ क्लॉथ टू बी यूज फॉर स्टिचिंग शर्ट्स इज वैल्यूड एट अ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू और सेल वैल्यू, व्हिच एवर इज लेवर। कॉस्ट और नेट रियलाइज, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल, उसको अभी बेचेंगे तो कितने मिलेगा और उसका मार्केट प्राइस क्या है, ये तीनों में जो छोटा होता है उसी में स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल वैल्यूएशन होता है। देन स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स होता है स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, स्टॉक ऑफ गुड्स इन केस ऑफ स्टॉक ऑफ गुड्स और फिनिश्ड गुड्स इन केस ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न। जो ट्रेडिंग कंसर्न मतलब जिस कंपनी का काम होता है या जो बिजनेस है उसका काम होता है खरीदना बेचना। स्टॉक ऑफ गुड्स इन द केस ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न कंप्राइजेस ऑफ स्टॉक ऑफ गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड, स्टॉक ऑफ गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड, हमने वो स्टॉक को बेचा नहीं, स्टॉक ऑफ गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड जो रह गया। इन केस ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न इट कंप्राइजेस ऑफ द प्रोसेस्ड गुड्स मैन्युफैक्चर्ड फॉर द पर्पस ऑफ सेल, इट इज वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू और सेल वैल्यू व्हिच एवर इज लोअर। यानी एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में जो गुड्स पूरा बन गया है, फिनिश्ड प्रोडक्ट बन गया है, वो बिका नहीं है, वो रह गया है और नेक्स्ट पीरियड में बिकेगा, एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड का लास्ट डेट में ये होता है स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स और ये मार्केट में बिकने वाला है, इसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। और इसका वैल्यूएशन यूजुअल तरीके में होता है कॉस्ट और मार्केट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, जो कम होगा उसमें वैल्यूएशन करते हैं। देन स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ये एक अजीब सा आइटम है, इसको देखो। इट इज ए स्टॉक दैट इज इन द प्रोसेस ऑफ बींग फिनिश्ड, ये पूरा बना नहीं, फाइनल प्रोडक्ट बना नहीं, ये आधा अधूरा बना हुआ है। इज फॉर एग्जाम्पल, दे आर पार्टली फिनिश्ड गुड्स, आधा फिनिश हुआ है। इट इज वैल्यूड एट एन एग्रीगेट ऑफ कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज प्लस कॉस्ट ऑफ लेबर प्लस अदर प्रोडक्शन ओवरहेड स्पेंट ऑन मैन्युफैक्चरिंग। जैसे आधा बनाए गुड्स होता है तो उसके अंदर कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज, कितने रॉ मटेरियल यूज किया गया है मटेरियल, और उसमें लेबर कितना खर्चा हुआ है, और ओवरहेड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रोडक्शन का कितना है, वो सब को मिलाने के बाद जो आधा बनाए गुड्स, एक आधा पेन, एक आधा मैन्युफैक्चर्ड मोबाइल और एक कुछ भी, एक आधा बनाए हुआ कार, तो इसका आधा अधूरे बनाए हुआ चीज़ को हम ऐसे वैल्यूएशन करते हैं, जिसके ऊपर हम क्या करते हैं ना, जो वैल्यूएशन के टाइम पे वो आधा बनाया होता है उसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, काम प्रगति पर है, लिखा होता है रोड पे, द वर्क इज नॉट कंप्लीट, सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट, तो उसका आधा वैल्यूएशन होता है, या 75% 80%। अगर पूरा रॉ मटेरियल लग गया है तो पूरा रॉ मटेरियल कॉस्ट लग जाएगा, लेबर कॉस्ट पूरा लग गया है तो पूरा लेबर कॉस्ट, आधा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगा है ओवरहेड्स तो आधा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स ऐड होगा, तो ऐसे करके उसका वैल्यू निकलेगा एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। मैंने आपको स्टॉक के बारे में समझाया, स्टॉक इज ऑफ 6 टाइप्स, 6 टाइप में मैं आपको बताया। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, खुद पढ़िए। शेयर और सब्सक्राइब करने से, शेयर करने से दूसरे दोस्तों भी पढ़ लेंगे आपके, तो यू कैन हेल्प अदर्स टू स्टडी टू बिल्ड देयर कैरियर ऑल्सो, अपने साथ साथ दूसरों का भी देखो।
आप पढ़ो और पढ़ाओ और पढ़ते रहो एंड कीप ऑन स्टडी।